नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम यहाँ पर ब्लॉक के बाहर हैं और यहाँ पर इनसे तो हम पहले ही मिल चुके हैं, तो और भी अच्छे से इनसे बात करना चाह रहे थे, तो फिर से आ गए हैं और इनसे बात करने वाले हैं। इनके पति और ये हैं उम्मीदवार। आपका नाम बताइएगा ज़रा। आशा देवी। आशा देवी जी, मुखिया पद के उम्मीदवार हैं आप। मुखिया पद से उम्मीदवार है। राघोपुर में, इतना राघोपुर पंचायत से है। राघोपुर पंचायत, मेरा घर मेतनापुर है। अच्छा, तो आप अभी ये रिक्शा पे आप गए हैं इनको लेकर, आप इनके पति हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय सा हुआ। अच्छा, तो ये रिक्शा पर लेके गए हैं, पूरे गांव वाले का, इवन नहीं पूरे प्रखंड का आपके ऊपर ध्यान आ गया है कि रिक्शा चालक अपनी पत्नी को मुखिया पद के लिए उतार रहे हैं। तो आप इसके पीछे क्या सोच है कि आप इनको मुखिया पद के लिए उतार रहे हैं? ये मुखिया बना रहे हैं, बनाएंगे तो गाँव में विकास करेंगे अपने पंचायत में। बड़े बड़े लोग जीते हैं तो कुछ नहीं हम लोग का दिए है, चलते अपने उम्मीदवार हुए हैं, अपने पत्नी को हम खड़ा करा रहे हैं। अच्छा, तो आप ये आपका मन था उतरने का ये मुखिया पद के लिए, या फिर किसी ने आपको कहा कि आप मुखिया अच्छी बन सकती है? जी, हमको बनाए हैं गांव वाला मिल के, कहा कि मुखिया पद में खड़ा होइए, हम लोग हैं वोट देंगे, तो अच्छा। हम उसी के लिए खड़ा हुए हैं वोट मांगने के लिए, माने कि जीतने मतलब के लिए। लोग आपको खुद बोले हैं कि हम आपको वोट देंगे, आप खड़े होइए। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग खड़े हुए, मुखिया बने और जीते और कुछ काम नहीं किए, तो मुखिया पद के लिए आप खड़ी हो रही है जब, तो आपको पता होगा आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ है जो आप लोगों को करवाना है। हुआ है जो कम में हुआ है, जो हुआ है से हम लोग जीतेंगे, तो इंदिरा आवास है और ये बिरला पेंशन है, जो कल नल जल है, ऐसा है ना, तो हम लोग करेंगे। अभी उतने अच्छे से हुआ नहीं है। हुआ है, कहूँ कहूँ हुआ है, कहूँ कहूँ छूटा हुआ है। अभी आधा अधूरा काम हुआ है, आपका कहने का मतलब? जी, आधा अधूरा काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी लोग हैं जो आप लोगों को देखकर, ये रिक्शा को सजा हुआ देखकर आए हैं। रिक्शा चालक की पत्नी यहाँ पर मुखिया पद के लिए खड़ी हो रही है। आप लोग बताइएगा, आप लोग इसी पंचायत से है जहाँ से ये आ रही है? आप राघोपुर पंचायत से आइएगा थोड़ा आगे। अच्छा, राघोपुर पंचायत से कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये सजा हुआ रिक्शा देखकर आप लोग मतलब क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है ये रिक्शा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। एक रिक्शा वाले की पत्नी मुखिया पद के लिए खड़ी हो रही है। जी, खड़ी हो रही है। तो फिर ये इनका हौसला देखकर कैसा लग रहा है? हौसला है इनका, इनका हौसला बहुत अच्छा है। अच्छा है, आप कुछ बोलिएगा, आप लोग क्या ये ऐसे उम्मीदवार को देखकर क्या मन में आता है, एक रिक्शा वाले की पत्नी? बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि अपने अपने स्वार्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। पब्लिक के जीतेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, ये सोच करके पब्लिक वोट देने के लिए तैयार। आप कौन से पंचायत से? इन्हीं के पंचायत से? ये पंचायत से हम नहीं है। मतलब इनको देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत खुश है। हाँ। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? ये अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा लग रहा है देख कर? देख के अच्छा लग रहा है। हम लोग 4 नंबर वार्ड के है। अच्छा, इन्हीं के पंचायत से हैं? नहीं, हम लोग रामपुरहरी पंचायत के, लेकिन देखने अच्छा से अच्छा लग रहा है। चलिए, आपके बारे में लोगों से ही पूछे, आपका हिम्मत देखकर एक रिक्शा चालक अपनी पत्नी को मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बना रहे हैं, ये लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। तो आगे क्या उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद किया जाएगा और वोट दिया जाएगा? जी, वोट लोग देंगे, हम चुनाव जीत के आगे के विकास करेंगे। चलिए, आपकी पत्नी से भी हम बात कर लेते हैं। ये हमारे माँ हुए। अच्छा, ये आपकी माँ है? हाँ। आपकी बहू मुखिया पद के लिए खड़ी हो रही है, आप वोट दीजिएगा? खुद वोट दीजिएगा? कहाँ फैल जाती, भावुक हो रही है क्या? थक गई है। आपकी बहू है? आपकी पतो है? हाँ, हमको पुतो है। तो वोट देंगी आप इनको, पसंद करती हैं? हाँ, वोट देंगे। अच्छा काम करेंगी? हाँ, गरीबी है, गरीबी में मिल के रहेंगे। सगर पंच हमको मिला के रखिए, हम मिल के रहेंगे। अच्छा, हाँ, हम मिल के रहेंगे। चलिए, बढ़िया है। आप लोग बैठिए और फिर आप लोग, हम मिल के रहेंगे। हाँ, तो अभी आप लोग क्या करेंगी? दुखिया हरण का, जना हम दुखिया हाथी इतना है तो सबके हरण करेंगे। जब आप हमको हरण करेंगे, हम दुख प्राणी के सबके हरण करेंगे, सब में मिल के रहेंगे। आ मिले वाली हम बूढ़ी है, हम है। आपकी बहू खड़ी हो रही है। जी, चलिए, तो अभी आप लोग घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो लोगों से मिलने भी आप लोग रिक्शे पर जाएंगे?
जी नहीं, पैदल मिलेंगे हम। पैदल मिलेंगे सबसे, चलिए बढ़िया है। ऐसे कैंडिडेट से हम लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है, कहीं हमें मिले नहीं है। जी थोड़ा हाईलाइटेड कीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट बार बार नहीं मिलता है। अरे आप लोग कहिएगा, खुद ही हाईलाइट हो जाएगा। हम आप ज्यादा थोड़ा कहिएगा, आप मीडिया वाले हैं, थोड़ा कहिएगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हम बोलेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आप बोलेगा तो कम होगा। तो है, मतलब आप लोग पसंद आ रहे हैं ऐसे कैंडिडेट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम मिलते हैं और हम इनके बारे में आपको बताने के लिए हमेशा इच्छुक होते हैं। चलिए और भी लोगों से आपको मिलवाएंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स होंगे तो ज़रूर मिलवाएंगे। फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं, धन्यवाद।